अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक रिएक्शन वीडियो करते हैं। हर फीमेल मुस्लिम सबसे ज़्यादा सवाल जब पूछती है इस्लामिक स्कॉलर से, तो वो किस टाइप के सवाल होते हैं? मैंने आज तक कभी भी किसी फीमेल मुस्लिम को कोई समझदारी वाला सवाल पूछते हुए नहीं देखा किसी इस्लामिक स्कॉलर से। ज़्यादातर उनके सवाल बहुत अजीब व गरीब से होते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इंसान पब्लिकली पूछ नहीं सकता, बट पता नहीं क्यों ना जाने वो ऐसे सवाल पूछती हैं। To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. आज एक इसी तरह की एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और हर एक अल्फाज पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स क्यों बात करते हैं। चल के देखते हैं वीडियो, मगर उससे पहले आपको बता दूँ, ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एक फीमेल मुस्लिम्स जो के इस्लामिक स्कॉलर्स से पूछते हैं। ये ऐसी मुस्लिम है जिसने मौलाना तारिक जमील साहब को कॉन्टेक्ट किया ये सवाल पूछने के लिए, मगर एक और इस्लामिक स्कॉलर है जिन्होंने इनको रिप्लाई किया। चल के देखते हैं वो वीडियो, रिएक्ट करेंगे इन पे। मेरे मियां मुझसे गैर शरई तरीके से हम बिस्तरी करना चाहते। सवाल आपने सुना, जैसे ये कुछ परेशान है, इनको कुछ हल चाहिए इस मसले का। चल के सुनते हैं और आगे। अब ये जो आजकल मीडिया चल रहा है, लोग जो देखते हैं, अब उसके असरात हमारे घरों तक भी आ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर बेशक ऐसे चीजें मीडिया पर देखते हैं तो इनको पता है ये सब चीजें मीडिया पर आती हैं, के मीडिया पे आप वही चीजें इंटरनेट पे लिखोगे जो आपको देखना है। आगे देखिए। और ये ऐसा मसला मैं किसी को बता नहीं सकती, मैं बड़ी राजदारी के साथ आप तक ये पैगाम दे रही। ओके, लफ्ज गौर करें, इन्होंने कहा है ये बहुत ही राजदारी के साथ बता रहे हैं आपको। ये ऐसा मसला वो किसी को बता नहीं सकती, बट आपको बहुत राजदारी के साथ बता रहे हैं कि ये मैसेज इन्होंने लिखा था मौलाना तारिक जमील साहब के नाम, तो क्योंकि आप हमारे साथ ये प्रोग्राम करते हैं। ओके, ये आपने सुना है मौलाना तारिक जमील के साथ इन्होंने ये सुना। तो और ये बड़ी ज्यादा बहनों का ये इशू है, बड़ी ज्यादा मुस्लिम बहनों का ये इशू है, ये मौलाना साहब यहाँ फरमा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अहम मसला है और मुस्लिम हस्बैंड्स कितना ज्यादा डिमांड करते हैं इस चीज के लिए। इस वीडियो से ये साफ पता चलता है कि जिसमें नौबत हमने ये भी देखा तलाक तक भी जाती है। वाओ, सो मुस्लिम हस्बैंड्स इतना डिमांड करते हैं अपनी वाइफ को ये सब करने के लिए कि तलाक तक नौबत आ जाती है, खुदा माफ करे, यहाँ तक भी उन्हें कहा जाता है। तो इसमें आप गाइड कीजिएगा, ये बड़ा अहम मसला है, तो इसमें मैं चाहूँगा आप इस पर रोशनी डालिए कि इस सूरत हाल के अंदर इनको क्या करना चाहिए। मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ जी, ज़्यादा तफसील तो ये है कि ये उनसे ही अगर वो रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह उनसे बराह रास्त हमारी जो ख़वातीन उलमा हैं, मस्तूरात हमारी उलमा हैं, उनसे इनकी बात करवा देंगे ताकि वो इनको तफसील बता दें। लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ ये कर देता हूँ कि शरीयत में इतनी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी नहीं हैं, तो ये बेहतर यही है कि ये आपस में इसको डिस्कस जरूर। ओह वाओ, तो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है शरीयत। तो जवाब ने सुन लिया जी, मुसलमान हस्बैंड अपनी मुसलमान वाइफ को डिमांड करे इसमें पाबंदी नहीं है। आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, इन खातून ने मैसेज में ये लिखा कि ये बहुत ही राजदार मसला है। अब इस वीडियो को थोड़ा शुरू से देखते हैं एक बार फिर से और आपको पता चल जाएगा ये कितना राजदार मसला इन्होंने रखा है। दोस्तों एक बार फिर से वीडियो ये देखते हैं और गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा जी मौलाना, अगला सवाल शबाना फलक ये भी यूएसए से पूछती हैं कि मेरे मियाँ मुझसे गैर शरई तरीके से हम बिस्तरी करना चाहते हैं। अब ये जो आजकल मीडिया चल रहा है, लोग जो देखते हैं, अब उसके असरात हमारे घरों तक भी आ रहे हैं। और ये ऐसा मसला मैं किसी को बता नहीं सकती, मैं बड़ी राजदारी के साथ आप तक ये पैगाम दे तो रही हूँ। आपने गौर से सुना कि इन्होंने सबसे पहले उसका नाम लिया है, उस खातून का नाम लिया है और फिर उन्होंने बोला है बहुत राजदार मसला है, जगह भी बता दी कहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, ये इनके हस्बैंड हो, खुदा ना खास्ता ये बैठे हुए हो अपने फ्रेंड्स के साथ और ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो उनके लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। तो प्यारे दोस्त, जिस फिरके से भी हो आप, जो भी काम कर रहे हो, खुदा का वास्ता थोड़ा सा रहम करो, अक्ल को हाथ मारो, शर्मिंदा हो अपनी इस हरकत पर और बराए मेहरबानी लोगों के नाम मत लो ऐसी चीज़ों पर
کیونکہ لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کے گھر اس طرح ڈسٹروائے کر دیں گے لوگوں کے نام لے کر. تھوڑی سی شرم کرو, عقل کرو. اور خاص طور پہ ایک میسیج فیمیل مسلمس کے لیے بھی ہے کہ پلیز ایسی چیزیں مت پوچھیں لوگوں سے, اور وہ سوال پوچھیں جو آپ کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج تک کسی مسلمس نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیوں ایک مسلم شوہر کو اپنی مسلم بیوی کو مارنا کی اجازت دی ہوئی ہے. ایسا سوال نہیں پوچھتے وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایسا سوال جیسے پوچھیں گے وہ بین کر دیں گے سوال کو, وہ میڈیا پہ بھی نہیں دیں گے. بس یہ عجیب و غریب سوال پوچھیں گے, اور آپ کو جان کی حیرت ہوگی, یہ سب سے پاپولر سوال ہے ہر ایک مسلمہ کا. ہر ایک مسلم بیوی یہ سوال پوچھتی ہے. آپ ہر ایک اسکالر کی ویڈیو پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بنائی ہوگی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلامک اسکالر یہ جو ہیں, ان کی ویڈیو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. ہمیں اسلامک اسکالر کی آپ خاص طور پہ ایک بات نوٹ کریں گے کہ یہ بہت شرما رہے ہیں اس بات پہ, مسکرا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ ایک فیمیل کو پوچھا جائے یہ سوال. انہوں نے منع بھی نہیں کیا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا جواب دینا چاہتے ہیں. ٹو گیٹ دا اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہٹ دا سبسکرائب بٹن اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن.